हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पर बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द वेवलेंथ एट विच द ह्यूमन बॉडी इमिट्स द मोस्ट रेडिएशन। हम जानते हैं कि सभी बॉडी जिसका टेम्परेचर टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट रेंज में होता है और किसी फिक्स टेम्परेचर पर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें यह पता लग गया कि यह विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट को बी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10^-3 मीटर केल्विन। अब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में पहले चेंज करेंगे तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो गया 310.15 केल्विन। और हमें पूछा गया है लैम्डा मैक्स, यानी कि उस वेवलेंथ पर जिस पर मैक्सिमम रेडिएशन हो। तो लैम्डा मैक्स फाइंड करने के लिए हम कांस्टेंट बी में टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे। तो जो आया हमारा डिवाइड करने के बाद वैल्यू आता है 9.344 इंटू 10^-6 मीटर। इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9344 नैनोमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टार हैज ए सरफेस टेम्परेचर टी, इट्स पावर आउटपुट इज नोन टू बी पी। इफ द सरफेस टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 2T, द पावर आउटपुट विल बी इंक्रीज। ये क्वेश्चन बेस्ड है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पर। ये लॉ होता है इंटेंसिटी I इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है। अगर आप किसी जनरल बॉडी के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इंटू टी की पावर 4। तो ई बताता है इमिसिविटी उस बॉडी की। ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर स्टार को आप ब्लैक बॉडी माने चाहे जनरल बॉडी माने, इस सोल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इंटेंसिटी को पावर के टर्म लिखे हैं, तो पावर पर यूनिट एरिया होता है इंटेंसिटी। तो पावर को लिख सकते हैं ए सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ पर ए स्टार का सरफेस एरिया है जो कि कॉन्स्टेंट है। तो इस रिलेशन से हम बोल सकते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। यानी कि हम लिख सकते हैं पी बाई टी की पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तब हम लिख सकते हैं P1 upon T1 की पावर 4 इज इक्वल टू P2 upon T2 की पावर 4। तो यहाँ से P2 का वैल्यू निकल आ जाएगा, जहाँ पर T2 2T है, T1 T है और P1 P है। तो यहाँ से P2 का वैल्यू हो जाएगा 2T upon T पर 4 इंटू पी, तो हो जाएगा ये 16P। यानी कि पावर आउटपुट 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन हैज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 5800 केल्विन, इट्स रेडियस इज 6.96 × 10^8 मीटर। कैलकुलेट इट्स पावर आउटपुट। स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है। तो यह भी क्वेश्चन स्टीफन लॉ पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यह पता चल रहा है कि सन को एक ब्लैक बॉडी एज्यूम किया गया है। तो हम स्टीफन लॉ लिखते हैं आई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, पावर के टर्म में हो जाएगा पावर इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। सन का सरफेस टेम्परेचर और रेडियस आर दिया हुआ है, सारा वैल्यू पुट कर देंगे और हमें पावर आउटपुट मिल जाएगा। सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमारा पावर आउटपुट हो जाता है 3.96 × 10^26 वाट। अब हमारे पास एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, फॉर 3 डिफरेंट ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ हैज शोन द करेक्ट रिलेशन इन टेम्परेचर इज। ये क्वेश्चन भी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड है। तो टेम्परेचर में रिलेशन फाइंड करने से पहले हम सबसे पहले तीनों ब्लैक बॉडी का पीक देखेंगे कि वो किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर T1 है, उसको हम मान लेते हैं इसको लैम्डा 1 पर मैक्सिमम पीक दे रहा है, और T3 वाले टेम्परेचर का ब्लैक बॉडी है उसको हम
लैम्डा 3 मान लेते हैं, और जो जिसका टेम्परेचर T2 है उसको हम लैम्डा 2 मान लेते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं वेवलेंथ इस साइड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लैम्डा 2 ग्रेटर है लैम्डा 3 से और लैम्डा 3 ग्रेटर है लैम्डा 1 से। और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि लैम्डा यानी कि जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम पीक आ रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। इसमें लैम्डा 1 सबसे कम है तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर T1 है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए टेम्परेचर का रिलेशन हो जाएगा T1 greater than T3 greater than T2। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।